नमस्कार साथियों, वीडियो एडिटिंग वीडियो बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण यानी पोस्ट प्रोडक्शन में आता है। आप यहां न केवल अपनी वीडियो की काट छाट करते हैं बल्कि आप उसे एक ऐसा रूप देते हैं जो दर्शकों को वीडियो देखते समय पूरी तरह से जोड़ कर रखता है। एक अच्छा वीडियो या वीडियो एडिटिंग उसे माना जाता है जो दर्शकों की आंखों के सामने बिना झटके गुजर जाए। वीडियो एडिटिंग के लिए ये जरूरी है कि उस वीडियो का पूरा फुटेज जो आपने शूट किया हो और स्टोरी बोर्ड जिसकी एडिटिंग करनी हो वो आपके पास। वीडियो की एडिटिंग के लिए कई सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, उनमें से कुछ मुफ्त ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं जबकि कुछ के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से किसी भी एक सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं। आज मैं आपको एडोबी एलिमेंट पर वीडियो कैसे एडिट करें इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो एडिट के लिए तकनीक सीखने के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी में भी निखार लाना होगा, यानी कि एक ही वीडियो को कैसे अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं, अपने अंदर के इस सोच को बढ़ाना होगा। एक बार जब आप वीडियो एडिट के तकनीक को सीख लेंगे तो आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर आसानी से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। एडोबी एलिमेंट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक बार इसका लाइसेंस खरीदना होगा। रजिस्टर्ड करके डाउनलोड करने के बाद इसका आइकन कुछ इस तरह दिखेगा। इससे पहले कि आप अपने वीडियो की एडिटिंग शुरू करें, आप अपने फुटेज में से अच्छे शॉट्स को छांटकर उसे अलग कर लें। इसके लिए आप दो फोल्डर बना सकते हैं, एक का नाम गुड और दूसरे का नाम नॉट गुड रखें। आपके सारे शॉट्स गुड फोल्डर में होने चाहिए। साथ ही इस वीडियो में प्रयोग की जाने वाले सारे सामग्री जैसे वीडियो के नाम का स्लाइड, फोटो, क्रेडिट स्लाइड, सबटाइटल टेक्स्ट, वॉइस ओवर, म्यूजिक को भी एक फोल्डर बनाकर इसी फोल्डर के अंदर रखें। एडोबी एलिमेंट खुलने के बाद उसका लेआउट कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आपको अपनी वीडियो की केवल काट छाट करनी है तो यहां क्विक पर क्लिक कर एडिट करें। लेकिन अगर आप अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक बेहतर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए यहां एक्सपर्ट पर क्लिक करें। यहां फाइल में जाकर अपना नया प्रोजेक्ट बनाएं। यहां आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें और यहां उस फोल्डर को सेलेक्ट करें जहां आप इसे सेव करना चाहते हैं। इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करें। अब आपका प्रोजेक्ट वीडियो एडिटिंग के लिए तैयार है। एडोबी एलिमेंट के इस भाग को प्लेलिस्ट कहते हैं जहां आपका फुटेज दिखता है। इसे हम प्रीव्यू सेक्शन कहते हैं जहां आपका वीडियो दिखता है, और इस भाग को हम टाइमलाइन कहते हैं। आपकी पूरी वीडियो की एडिटिंग इसी टाइमलाइन पर होती है। फुटेज को प्लेलिस्ट में इंपोर्ट करने के लिए आप यहां एड मीडिया और फिर फाइल्स एंड फोल्डर्स पर क्लिक करें। उसके बाद गुड वाले फोल्डर में जाकर फाइल को सेलेक्ट करें जिसे आप इंपोर्ट करना चाहते हैं और फिर ओपन पर क्लिक करें। अब वो सारे सिलेक्टेड फाइल्स आपको यहां प्रोजेक्ट एसेट्स में दिखना शुरू हो जाएगा। इन फाइल्स को ड्रैग कर आप यहां टाइमलाइन पर लाएं और फिर अपनी वीडियो की एडिटिंग शुरू करें। इस सॉफ्टवेयर में आपको वीडियो और ऑडियो के कई ट्रैक एडिटिंग के लिए मिलेंगे। प्रोजेक्ट खुलने के साथ ही आपको शुरू में ऑडियो और वीडियो का 3 ट्रैक मिलेगा जिस पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप अपनी जरूरत के अनुसार और भी ट्रैक यहां राइट क्लिक कर और फिर ऐड ट्रैक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वॉइस वाले ट्रैक पर आप अपने वीडियो के वॉइस ओवर को रख सकते हैं। वीडियो के म्यूजिक को इस म्यूजिक ट्रैक पर एडिट करें। पहली बार जब आप अपने वीडियो को टाइमलाइन पर लाएंगे तो आपका वीडियो यहां V1 पर और उसकी आवाज A1 पर दिखेगा। इसी तरह अगर आप अपने वीडियो को V2 पर लाएंगे तो उसकी आवाज A2 पर आएगा। आप अलग अलग ट्रैक को वीडियोस, फोटोज, टेक्स्ट इत्यादि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमेशा सबसे ऊपर वाले ट्रैक पर दिखने वाला वीडियो ही फाइनल वीडियो में दिखेगा। इस आइकन को क्लिक कर आप इस ट्रैक के वीडियो को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, मतलब कि
उसे देख सकते हैं या छिपा सकते हैं। ठीक इसी तरह इस आइकन को क्लिक कर आप इस ट्रैक के ऑडियो को म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं, मतलब कि उसे सुन सकते हैं या बंद कर सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में ये वीडियो कौन सी संस्था बना रही है और इस वीडियो का नाम क्या है इसकी जानकारी दें। बेहतर ये होगा कि आप पहले से ही इसे पीपीटी में बनाकर उसे जेपीजी या पीएनजी में एक्सपोर्ट कर लें। वीडियो की तरह ही आप किसी भी फोटो को एड मीडिया और फिर फाइल्स एंड फोल्डर पर क्लिक कर उसे इंपोर्ट करके टाइमलाइन पर ला सकते हैं। अपने फुटेज को टाइमलाइन पर लाने के बाद एडिटिंग में सबसे पहले हम अपने शॉर्ट्स में से जो भाग हमारे काम का नहीं है उसे हटाते हैं। इसे कई तरह से हटा सकते हैं। जैसे इस शॉर्ट्स में अगर हमें यहां से शॉर्ट्स चाहिए तो हम कर्सर को उस पॉइंट पर रखें और कैंची वाले इस बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका शॉर्ट दो भागों में बट जाएगा। फिर आप अगले भाग को सेलेक्ट कर उसे डिलीट बटन से डिलीट करें या उस पर राइट क्लिक कर उसे रिमूव कर दें। इसके अलावा आप किसी भी शॉर्ट्स को शुरू या अंत में इस तरह ड्रैग करके भी उसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। शॉर्ट की काट छाट हमेशा बारीकी से करनी चाहिए। गलती से ज्यादा या कम कट जाने की स्थिति में आप कंट्रोल जेड से उसे वापस ला सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी शॉर्ट को ड्रैग कर अपने टाइमलाइन पर कहीं भी रख सकते हैं। बीच बीच में अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल एस दबाकर सेव करते रहें। ध्यान रहे कि वर्ड्स के सारे शॉर्टकट इसमें काम आते हैं। अगर बीच बीच में आपको अपना वीडियो अटक अटक कर दिख रहा हो तो आप रेंडर के इस बटन को प्रेस करें। रेंडर होने के बाद आपका टाइमलाइन यहां हरा हो जाएगा और फिर आपका वीडियो आराम से चलेगा। उम्मीद है वीडियो एडिटिंग का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको वीडियो एडिटिंग में सहायता मिलेगी। इसके अगले भाग में हम वीडियो एडिटिंग से जुड़ी और जानकारियां लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।